हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे साइमन कमीशन के बारे में। सो ये कमीशन कब बना था? 1927 में बना था। तो इस कमीशन को लेके इंडिया में बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो वो क्यों हुआ था, अब इसकी पूरी की पूरी स्टोरी हम आज के वीडियो में जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था तो उसमें एक प्रोविज़न था। प्रोविज़न क्या था कि एक कमीशन हर 10 साल के बाद अपॉइंट किया जाएगा। क्यों अपॉइंट किया जाएगा? टू इन्वेस्टिगेट द प्रोग्रेस ऑफ गवर्नेंस स्कीम, कि इंडिया में गवर्नेंस किस तरह से चल रही है, ठीक है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और उसके बाद उसकी रिपोर्ट सबमिट होगी और उसी के लिए फिर कुछ सुधार किए जाएंगे, रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। तो ये था कि इंडिया में जो गवर्नेंस है वो किस तरह से हो रही है, प्रशासन किस तरह से चल रहा है, सरकार किस तरह से चल रही है, अच्छे से या नहीं। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन आना था हर 10 साल बाद। लेकिन अब होता क्या है, सरकार ने अनाउंस कर दिया कि मार्च 1927 में कमीशन बनाया जाएगा। मतलब इस टाइम पे अनाउंसमेंट हुई है कि 1927 में कमीशन बनाया जाएगा। अब जो कमीशन बनना था उसका एक्चुअल ईयर था 1929, उसका टाइम पीरियड तो 1929 था, 1929 से पहले वो बनना नहीं था, तो क्यों बना वो, ठीक है। तो अब ये तो आप समझते ही हैं कि सारे का सारा जो है कंसेप्ट ब्रिटिशर्स का रहता है, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब अनाउंसमेंट हुई तो उस टाइम पे कांग्रेस पहली बात तो एजेंडा लेस थी, कोई खास काम चल नहीं रहा था, ठीक है। तो कमीशन इनके लिए आया एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ठीक है। अब होता क्या है कि जिस टाइम पे इसकी अनाउंसमेंट हुई तो ये एक सरप्राइज की आई की तरह आई इंडियंस के सामने। मतलब उनके पास कोई एजेंडा नहीं था, वो ऑलरेडी फ्रस्ट्रेशन में थे, कोई काम नहीं था करने को, और कांग्रेस जो है एकदम एजेंडा लेस थी। लेकिन एकदम से ये एकदम आ गया कि हाँ अब साइमन कमीशन आएगा, तो एकदम हक्के बक्के हो गए कि अभी तो टाइम नहीं था, कैसे आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें मेंबर्स कितने थे। इसमें 7 मेंबर्स थे, 7 मेंबर्स कमीशन था साइमन कमीशन। इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन, वो तो नाम से पता चलता है कोई साइमन होंगे जो इसके कमीशन के हेड होंगे, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत कहाँ आई, अब नई दिक्कत आ गई कि जो सर जॉन साइमन थे इसके चेयरमैन थे, 7 मेंबर कमेटी थी और इसमें जितने भी मेंबर्स थे वो सारे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से लिए गए थे। मतलब नन ऑफ द इंडियंस वर अपॉइंटेड इन द कमीशन, कमीशन में एक भी इंडियन को अपॉइंट नहीं किया गया। इससे आप कह सकते हैं कि इंडियंस कितने ज़्यादा एग्रेसिव हो गए होंगे। अब कोई भी इंडियन को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है कमीशन में, ठीक है। तो इससे ऐसा लगा दैट इंडियंस वर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स, मतलब उनको उनके राइट्स दिए नहीं जा रहे हैं। मतलब हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, हमारे देश की बात है, तो बाहर के लोग यहाँ पे आके क्यों फैसला करेंगे, बाहर के लोग यहाँ पे आके क्यों काम करेंगे, ठीक है। पार्टिसिपेशन इंडियंस की होनी चाहिए यहाँ पे। तो इससे लोग बहुत गुस्सा हो गए। फिर क्या होता है कि INC का मद्रास सेशन आता है 1927 में, ठीक है, जिसमें ये रेजोल्यूशन दिया गया कि बायकट करो साइमन कमीशन को एट एवरी स्टेज एंड इन एवरी फॉर्म। किसी भी स्टेज में, किसी भी फॉर्म में हमें साइमन कमीशन को बायकट करना है, ठीक है। अब बायकट करना है, उसके बाद क्या होता है, 3 फरवरी 1928 को एक पूरी की पूरी हड़ताल, कंप्लीट हड़ताल की गई बहुत बड़े लेवल पे। कहाँ पे? बॉम्बे में। क्यों की गई? व्हेन साइमन कमीशन लैंडेड हियर, क्योंकि साइमन कमीशन यहाँ पे आया, साइमन कमीशन यहाँ पे लैंड हुआ, इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ी हड़ताल हुई, ठीक है। हड़ताल हुई, दंगे फसाद हुए, काफ़ी कुछ हुआ। नाउ गवर्नमेंट यूज्ड ब्रूटल रिप्रेशन, अब इनको दबाने के लिए, इनको सुप्रेस करने के लिए सरकार ने इनको ब्रूटल रिप्रेशन, मतलब लाठीचार्ज किया, डंडे मारने स्टार्ट किए, जो भी पॉसिबल था वो सब किया। अब सबसे बड़ा इंसिडेंट यहाँ पे क्या हो जाता है कि लाहौर में लाला लाजपत राय जी जहाँ पे थे वहाँ पे भी लाठी चार्ज हुआ, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी, ठीक है, इससे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी। तो अब देखिए, ये इनकी, इसके बाद हम लाला लाजपत राय जी का आगे भी पढ़ेंगे किसी और इवेंट में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इनको यहाँ पे लाठी चार्ज हुआ, साइमन कमीशन आया था इसकी वजह से, तो अब इंडियंस कैसे बदला लेते हैं, बट वो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपको जो भी समझाया आपको अच्छे समझ आया हो। साइमन कमीशन हमने पढ़ा है प्रीवियस वीडियो में, हमने स्वराज पार्टी पढ़ा था, उससे पहले हमने चौरी चौरा इंसिडेंट पढ़ा था। तो 1905 यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, यानी पार्टीशन ऑफ बंगाल से एक्चुअली जितने भी इवेंट्स हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, उन सबको हमने थ्रू हैंड रिटन नोट्स कवर किया है।
हर एक इवेंट को हर एक वीडियो में मैंने कवर किया है। बहुत लंबी लंबी वीडियोस कोई भी नहीं है, 4-5 मिनट की सारी वीडियोस होंगी। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, आप प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। एंड मेरे चैनल पे आपको जनरल स्टडी से रिलेटेड हर एक मटेरियल मिल जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। मैं ये नहीं कहती कि मैंने पूरा मटेरियल अपडेट कर दिया है, बट कुछ एक टॉपिक्स किए हैं तो आप चाहें तो देख सकते हैं। इसी के साथ जितनी भी एनसीईआरटीज हैं क्लास 6 ऑनवर्ड्स, उनको भी मैं जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर आप एनसीईआरटीज पढ़ना चाहते हैं या जीएस पढ़ना चाहते हैं, आप इन सब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।